मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में उच्च शिक्षा का हाल बताती एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट बताती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में उच्च शिक्षा का हाल बेहाल है। यहाँ छात्रों को पढ़ाने के लिए ना तो पर्याप्त कॉलेज है और ना ही टीचर। साल 2016-17 के लिए उच्च शिक्षा पर जारी यह रिपोर्ट बताती है कि बिहार में छात्रों के मुकाबले टीचरों की संख्या बेहद कम है। हालत ये है कि कॉलेजों में 65 बच्चों को पढ़ाने के लिए महज एक टीचर है। वहीं इसी अनुपात में झारखंड दूसरे नंबर पर है, जहां एक टीचर के कंधे पर 56 छात्रों का बोझ है। इसी तरह उत्तर प्रदेश तीसरे, पश्चिम बंगाल चौथे और त्रिपुरा पांचवें नंबर पर है। इसी लिस्ट में सबसे अच्छा हाल पुडुचेरी का बताया गया है, जहां 10 छात्रों को पढ़ाने के लिए एक टीचर है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर छात्र टीचर का ये अनुपात 23 है। इससे इतर ये रिपोर्ट कहती है कि देश में कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2012-13 में देश में कुल कॉलेजों की संख्या 35,525 थी, जो कि 2016-17 में बढ़कर 40,026 हो गई है। हालांकि कॉलेज की संख्या बढ़ने का स्तर हर राज्य में बराबर नहीं है। इस मामले में तेलंगाना का हाल सबसे अच्छा है, जहां 1,00,000 की आबादी को पढ़ाने के लिए 59 कॉलेज हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां इतनी ही आबादी के लिए 53 कॉलेज हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, चौथे नंबर पर पुडुचेरी और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति काफी अच्छी है। वहीं कॉलेजों की संख्या के मामले में भी बिहार की हालत बदतर है। यहाँ 1,00,000 की आबादी को पढ़ाने के लिए महज 7 कॉलेज हैं। ये संख्या राष्ट्र औसत से बेहद कम है, जो कि 1,00,000 की आबादी पर 28 कॉलेज है। दूसरे नंबर पर झारखंड और दिल्ली है, जहां 1,00,000 की आबादी पर महज 8 कॉलेज हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की स्थिति भी निराशाजनक है। इन सब में एक बात साफ है कि उच्च शिक्षा के मामले में भी सभी राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे पीछे है। नमिता सिंह, गो न्यूज़।